धन्यवाद दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको मेरी तरफ से। तो प्लीज शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जितने ज्यादा आप मेरे को शेयर करोगे उतना ही बेनिफिट आपको है, मेरे से भी ज्यादा। ये आपका पूर्ण कोर्स कराऊंगा, कैसे कराऊंगा इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। पहले एक बात ये ध्यान देना ना कि आज अपन एक एक क्लास सिस्टमेटिक चल रही है, आज सुविधा नहीं किसी तरह की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिएगा डीजल मैकेनिक, देखिएगा यहाँ पर डीजल मैकेनिक, मैकेनिक जिनके भी वर्ड है वो सब पढ़िए जाइए। आपके डीजल मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, ठीक है, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, मैकेनिक जहां पर भी वर्ड आया हो वो पढ़िएगा। इवन एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, उनका बात नहीं, उनकी क्लास भी चलना बाकी। तो मैकेनिकल जो भी काम हो वो सारा का सारा आपको बताता हूँ। तो डीजल हो, मोटर हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, हीट इंजन वाला हो, हीट इंजन वाला, ये सारे चार पांच जो है इस क्लास को कंटिन्यू सुनेंगे और उसी का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसी पर आपको फोकस करना है, एक एक चीज को आपको क्लियर करना। देखिए दोस्तों, अपन को प्रत्येक का मैं आपको बता देना चाहता हूँ कंडीशंस क्या होगी, किस तरह की स्टेप होगी, ये आपको देख लेना। एक सेकंड रुकेगा, देखिए सॉरी दोस्तों, देखिएगा आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या स्टेप रहेगी इसके साथ में, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो कैसी स्टेप आपकी होगी यहाँ पर, देखिएगा इस चीज को आपको समझना। तो यहाँ पर डीजल मैकेनिक की बात करता हूँ, तो डीजल मैकेनिक क्या होगा इसको देखिए। सबसे पहले डीजल का काम करने वाला डीजल मैकेनिक कहलाता है। इसके अंदर जो भी अपने देखिएगा आवश्यक शब्दावली है उन सभी का अपन यूज करेंगे। शब्दावली में सबसे मस्तली बात करते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहले बोर की कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि यहाँ पर बोर से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन एग्जाम आ जाता आपका कि यहाँ पर इंजन में या सिलेंडर में या पिस्टन में बोर से क्या तात्पर्य है, या सीधा सीधा आपका डीजल मैकेनिक में बोर से क्या तात्पर्य, या मैकेनिक में बोर से क्या तात्पर्य। तो आपको यहाँ पर देखिएगा ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, इधर देखिए, सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हो, सिलेंडर का जो डायामीटर है ये व्यास, सिलेंडर का जो डायामीटर है ध्यान रखना डायामीटर, उसी को ही अपन क्या कहते हैं व्यास को क्या कहते हैं अपन बोर कहते हैं। सिलेंडर के डायामीटर को बोर कहा जाता है, राइट, क्लियर कर लेना एक चीज को। तो मैंने डी लिख दिया वहां पर। दूसरी स्टेप आपसे पूछा जाता था टी डी सी से क्या तात्पर्य, मीन्स क्या होता है टी डी सी से क्या तात्पर्य है। ये आपको जो मैंने बनाया है ये बनाया दोस्त सिलेंडर, क्या बनाया सिलेंडर। तो देखिए बात करते हैं, तो सिलेंडर की जो कंडीशन है यहाँ पर एक एक चीज क्लियर कर देना। तो ये स्टेप अब यहाँ पर इसमें मैं बना देता हूं पिस्टन, इसमें मैं बना रहा हूं पिस्टन, बात समझिएगा। तो ये जो पिस्टन है इसकी क्या स्टेप आपके साथ रही वो देखना। ये सिलेंडर और ये पिस्टन दोनों का एक एक चीज आपको क्लियर कर लेना। सिलेंडर और पिस्टन की दोनों की एक एक चीज क्लियर करना, देखिए सुनिए गौर से, राइट है। चल पिस्टन में होता है या आई होल नेत्रचित, और नेत्रचित जो होता सबसे नीचे होता है, इसके ऊपर होती है रिंग, और रिंग में सबसे पहली रिंग जो होती है आपके ऑयल रिंग, दूसरी जो दोनों रिंग होती है वो कंप्रेशन रिंग, बात सुनिएगा। मैं आपको बताता हूं पिस्टन स्ट्रोक के दौरान, पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान निचले चरम बिंदु से जिस ऊपरे चरम बिंदु पर पहुंच जाता है उसे टीडीसी कहते हैं। निचले से कहां से चल करके निचले चरम बिंदु से जिस ऊपरे चरम बिंदु तक क्रिटिकल पॉइंट अपर पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं टीडीसी। अब तो मैंने फुल फॉर्म के बारे में ही बात की थी, मतलब टॉप डेड सेंटर कहते हैं। अब पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान जिस निचले चरम बिंदु पर पहुंच जाता है उसे बीडीसी कहते हैं, मतलब बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। क्लियर कर लेना एक चीज, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी करनी हो उसे बीडीसी कहते हैं। मैं यही बात बताने जा रहा हूं। तो ये टीडीसी हो गया टॉप डेड से, बीडीसी हो गया ये सिलेंडर हो गया, ये जो आप देख रहे हो ये है पिस्टन,
ये आप देख रहे हो जो क्या है पिस्टन, और ये जो देख रहे हो ये आपके दोनों की दोनों आपके कंप्रेशन रिंग है ना, ये है आपके कंप्रेशन रिंग। और जिसके बारे में बात कर रहा हूं सुनिएगा, ये आपके पास में जो है ऑयल रिंग, और इन दोनों को बोल सकते हैं अपन पिस्टन रिंग, राइट। इन दोनों रिंगों को बोल सकते हैं पिस्टन रिंग। और ये आपका जो भाव है ये क्या कहता है आपका चिल्ड्रन, राइट। अब एक एक चीज को आप क्लियर समझते गए, तो सबसे पहले आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कौन कौन सा भाग है इसका, क्या क्या कार्य प्रणाली, तब तो अपन डीजल इंजन पढ़ सकते हैं, अन्यथा पढ़ने का क्या उद्देश्य रहेगा। आपको पता ही नहीं कि बोर क्या होता, टीडीसी क्या होता, बीडीसी क्या होता, इतना और सारा का सारा अगर पता नहीं है तो क्या मतलब आया। तो आप समझ सकते हो टीडीसी की परिभाषा है कि पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान जिस ऊपरी चरम बिंदु पर पहुंच जाता है उसे टीडीसी कहते हैं, जिस ऊपरी चरम बिंदु पर क्रिटिकल पॉइंट, चरम का मतलब था क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाता है उसे टीडीसी कहते हैं। अब बीडीसी की परिभाषा आपसे पूछेगा क्या हुआ, तो पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान जिस निचले लोअर चरम बिंदु पर पहुंच जाता है उसे क्या कहते हैं बीडीसी कहते हैं। अब होता है आपके स्ट्रोक मींस होता है घात, पिस्टन कहां से आपको पता है जैसे सेल को दबाया या किक मारा, सेल्फ दबाया या किक मारा, दोनों स्टेप ध्यान रखना, या तो सेल्फ दबाएंगे या किक मारेंगे। और जैसे ही सेल्फ दबाया या किक मारा उस स्टेप पे क्या स्टेप बनती है, सुनिए यहां पर एक एक चीज क्लियर करना। तो पिस्टन जो है कहां से चलेगा, सबसे पहले किधर से चला, टीडीसी से बीडीसी को, सेल्फ पे दबाते ही आपके पिस्टन चल गया टीडीसी से बीडीसी की ओर, यह पहला स्ट्रोक तैयार हो। तो सिद्धांत के रूप में पिस्टन कहां से कहां चलता, टीडीसी से बीडीसी, प्रिंसिपल के रूप में पिस्टन क्या वर्क करता, टीडीसी से, सेल्फ दबाने पर पिस्टन कहां चला, टीडीसी से, किक मारने पर पिस्टन कहां चला, टीडीसी से बीडीसी। समझ में आ रही है बात, मैं करता हूं समझ में आ रही है। तो ये है टीडीसी से बीडीसी। अब बात करते हैं दूसरे स्ट्रोक में, देखिएगा कंडीशन ये है आपका स्ट्रोक, तो पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान टीडीसी से बीडीसी, ठीक है। अब नीचे से ऊपर आप जानते हो दूसरे स्ट्रोक में वापस कहां चला जाता, कंप्रेशन हो जाता है, और दूसरे स्ट्रोक में कहां गया पिस्टन, बीडीसी से टीडीसी को, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, या फिर देखो या बीडीसी से टीडीसी की ओर जो गति करता है, जो दूरी तय करता है, यहां में से दोनों में या तो या फिर या, दोनों के बीच में मैंने लिखा है या, एक कंडीशन इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोक, जो दूरी तय करता है, जो डिस्टेंस कवर करता है उसे बोलते हैं अपन घात। ये होता चाहे आप यहां से यहां तक चल गए हो, पहला घात यहां से यहां चल गए, दूसरा घात वापस आ गए, तीसरा घात फिर चले गए चौथा घात, तो एक घात किसे कहते हैं, टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी घात कहलाती है, टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी घात कहलाती है, या बीडीसी से टीडीसी तक की दूरी, और नहीं यवम की कंडीशन अलग हो जाएगी, ये कंडीशन है ओनली एक, तो या तो या, या तो दो चीज दिया आपको, या तो गुलाब जामुन खाओ रसगुल्ले खाओ, एक दो नहीं, या तो यार या तो ओके, वन टाइम वन क्या कर लाता घात, क्या कर लाता घात, बोलेंगे वही मिठाई गुलाब जामुन लो रसगुल्ले लो मिठाई लो मिठाई। तो ये कंडीशन आपका स्ट्रोक, स्ट्रोक का जो आधा होता है वो होता है
बात करते हैं तो थ्रो क्या होता है, स्ट्रोक का हाथ, इसका मतलब पिस्टन की घात की आधी दूरी क्या कहलाती है, स्ट्रोक। तो यहां से लेकर टीडीसी से जहां बीडीसी पहुंचने से पहले आधी दूरी क्या कहलाती है, तो यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर यहां तक कोई भी स्टेप हो सकती थी, हाफ हाफ हाफ, ये कहलाती है आपकी थ्रो। एक और होता है जिसको बोलते हैं अपन यहां पर थ्रो के बाद, ये टीडीसी या बीडीसी या स्ट्रोक रे थ्रो साइकिल, चक्र की बात करता हूं तो चक्र क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी तक, बीडीसी से टीडीसी तक जो दूरी तय कर रहे हो क्या कहलाता है, चक्र कहलाता है, चक्र कहलाता है, चक्र। आप अपने घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, ये एक आपका क्या है, साइकिल है, ये आपका है चक्र है। यहां पर टीडीसी से बीडीसी कहां, दोनों में क्या अंतर दिखेगा, टीडीसी से बीडीसी, यवाम यहां कहता, यवाम बीडीसी से टीडीसी तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, स्ट्रोक कहलाती है, सॉरी चक्र, साइकिल, साइकिल। ये कंडीशन आपकी हो जाती है, उम्मीद करता हूं साइकिल वाली ये चीजें आपको समझ में आई होगी, बोर्ड से लेकर के मैं अंत तक चलने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें यहां पर और भी कई बिंदु है जिस पर अपन को चर्चा करनी है, जैसे मैं बता देना चाहता हूं, इधर देखो ये चीजें आपको समझ में आ गई, इसको तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो आप ले लीजिएगा, है ना, ठीक है। मैं जैसे इधर निकलता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वैसे भी मैं बीच बीच में कई बार आपको दिखाऊं तो दिक्कत वाली बात है नहीं। ये कंडीशन आपको क्लियर हो, क्वेश्चन आपके आ जाए कि किसी भी क्रिया का निश्चित क्रम में बार बार होना, रेगुलर ऑर्डर में बार बार होना क्या कहलाता, साइकिल, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, साइकिल। लैंग्वेज में आता तो जरूरी है टीडीसी बीडीसी वाली लैंग्वेज आए, ये भी आ सकता है कि किसी भी क्रिया का रेगुलर ऑर्डर में बार 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 क्या कहलाता, साइकिल कहलाता, ये है आपका टीडीसी। अब क्या होता है और एक होता है क्लीयरेंस वैल्यू, ठीक है, यहाँ अगला पॉइंट आता है सात बार का जो भी क्लीयरेंस वॉल्यूम, क्लीयरेंस का मतलब होता है दोस्तों अवकाश, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और इसको व्यक्त करते हैं उल्टा, वी पहले लेते हैं सी चौथा लेते हैं वी सी से। आपसे किसी कोई पूछ भी रहा था कि सर क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में कल बताया था उसमें शायद कंफ्यूजन था या फिर मैंने सोई कुछ बता दिया था, तो उसको देख लीजिएगा या गलत बता दिया था, ऐसा देखना ऐसा बोल रहे थे लड़के, तो आप देख लेना उसमें अगर कहीं पर भी हो तो मैं आज आपको एक चीज पहले तो क्योंकि बेसिक दी थी तो क्योंकि बता दिया था जो भी फटाफट, अब आज पूरा पढ़ा रहा हूँ, इतना क्यों करते हो आप, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपके साथ में हूँ यकीन मानिएगा, कब तक एक भी परेशान होने नहीं थे, कभी मत हो परेशान मत हो कि बुरे दिन है समझ, कभी ना कहो कि दिन हमारे खराब है, समझ लो कि कांटों से घिरे हम गुलाब है, समझ लो कि कांटों से घिरे हम गुलाब है, रखो हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक कर के ना बैठो और मंजिल के मुसाफिर मंजिल में मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, यकीन मानेगा जरूर आएगा पर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, क्लीयरेंस वॉल्यूम, अच्छा क्लीयरेंस वॉल्यूम का मतलब होता है अवकाश, अब अवकाश आयतन की जो कंडीशन है आप देख सकते हो कैसी है, पिस्टन आप जानते हो यहाँ आपको पता ही है इसमें कनेक्टिव रोड होती है, इधर आपके साथ में जो जुड़ी होती है वो आपके साथ में जुड़ी होती है क्रैंकशाफ्ट, इस क्रैंकशाफ्ट की सहायता से आगे फ्लाई व्हील जुड़ा होता है, ये प्रक्रिया बात की है, अब उनको ध्यान रखना है यहाँ गजन पिट के साथ में जुड़े होते हैं, इनको भी मैटर नहीं करता, अपन यहाँ करते हैं क्या कंडीशन करते हैं कि पिस्टन स्ट्रोक के द्वारा
रिटर्न स्ट्रोक के दौरान। कहां से चलेगा सबसे प्रारंभिक स्ट्रोक कौन सा होता है और एंड स्ट्रोक कौन सा होता है, तो मैं बताता हूं अवकाश आपको। तो देखिएगा पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान बी डी सी से टी डी सी पर पहुंच जाता है। अपने स्ट्रोक के दौरान बी डी सी से चलकर कहां पहुंच जाता है, टी डी सी पर पहुंच जाता है। पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान बी डी सी से चलकर के देखेंगे चलकर कहां पहुंच जाएगा, इसके बराबर टच हो गया। अब बीडीसी से चल करके टीडीसी पर पहुंच गया पिस्टन, तो ये जो ऊपर जो जगह खाली बची हुई है ये टेपर में है और ये आपके फ्लेम है, ये जो जगह खाली बची है ये क्या कहलाती है आपकी, कौन सी अवकाश है। तो लैंग्वेज ये बनती है कि पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान बीडीसी से टीडीसी की ओर चलने पर पिस्टन के ऊपर कंबस्टन चैम्बर में बची खाली जगह, कंबस्टन चैम्बर में खाली जगह जो है वो क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, ऊपर पहुंचने पर पिस्टन अपने स्ट्रोक के दौरान कहां पहुंचने पर, टीडीसी पर पहुंचने पर, क्या करने पर, कंबस्टन चैम्बर में बची खाली जगह क्या कहलाती है आपकी, अवकाश आयतन। अब आता है नेक्स्ट जो आपके और आता है क्लियरेंस प्रॉब्लम हो गया। यहां पर क्या होता है आपके टीडीसी बीडीसी के दोनों की कंडीशन मैंने बता दी। इसके बाद आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं जिस पर गौर करना, आपको फोकस करना है, ध्यान रखना है, ये आपका पास एक और होता है शंट वेल्व। नाम आपको याद है, यहां पर भी आगे रहेगा और एस पर जाएगा। अब पिस्टन कहां से कहां चलता है इस स्ट्रोक में, पिस्टन अपने प्रारंभिक स्ट्रोक मान लो, तो पिस्टन अपने टीडीसी से बीडीसी की ओर चलने पर आप जानते हो कि ये कंडीशन तो आपकी होगी होगी, तो नीचे आएगा और नीचे आएगा तो यहाँ कंबस्टन चैम्बर में और खाली जगह बचेगी, तो ये सारी जो खाली जगह बची है इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन शॉर्ट वेल्व। तो पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने पर कहां पहुंचने पर, बीडीसी पर पहुंचने पर क्या होता, अपने स्ट्रोक के दौरान जो ऊपर खाली जगह बची है सारी की सारी, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी क्या कहलाती है, वीएस कहलाती है। पहुंचने पर जो खाली जगह बच जाती है कहां, कंबस्टन चैम्बर में, कहां, कंबस्टन वो आपका क्या कहलाता, शाफ्ट वेलोम कहलाता। एक एक चीज को आपको क्लियर करना है कि क्लियरेंस वेलोम किसे कहते हैं। देखो आप इधर भी मैंने लिख दिया, आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको ही कोशिश करना पड़ेगा, मैं आपको सहयोग दूंगा एक एक चीज का, अतः प्रत्येक का आपको कोशिश करोगे तभी पार पड़ेगी। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझाई और आपको समझ में भी आई है। इसके बाद आता है सिलेंडर वेलोम, क्या था आपके कमेंट में देख पा रहा हूँ, लेकिन सबके जवाब देना संभव नहीं है, अर्थात कुछ दिनों में मैं आपको पूरी सही तरीके से सिस्टमेटिक जवाब भी देने लगूंगा, लेकिन आपका सहयोग रहेगा तभी, ज्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, देखोगे, तब भी मैं आपको लाइव क्लास कंटिन्यूस दे पाऊंगा। अगर आपका सराहनीय सहयोग रहा तो मैं आपको पूरा कोर्स भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बगैर आपके संभव के, बगैर आपके सहयोग के ये कोर्स संभव होना आप पर निर्भर है, नहीं होना आप पर निर्भर है, क्लास लेना आप पर निर्भर है, नहीं लेना क्लास आप पर निर्भर है, क्योंकि मैं आपसे कोई चार्ज तो नहीं ले रहा, लेकिन बनता इतना तो कि आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो, और वह नहीं कर पाते हो तो मैं आपको कोशिश तो करूंगा कि आप 100% कोर्स कराओ, लेकिन वो डिपेंड आप पे है, वैसे आपका सहयोग है मेरे को पता, दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए कंटिन्यूस क्लास लेते हैं, देखिए बात करते हैं यहां पर सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर वॉल्यूम का मतलब होता है सिलेंडर आयतन। अब बात को सुनिए, देखिएगा यहाँ सिलेंडर आयतन को अपन लिख सकते हैं या सी और वी, सी लग रहा है जैसा वैसा, वहां अलग कंडीशन नहीं आ रहा सी वी। अच्छा एक बात तो क्लियर हो गया आपको, सिलेंडर वॉल्यूम आपने लिखा तो इसकी कंडीशन क्या होगा, तो सी वी बराबर कौन सा था, वी सी प्लस वी एस।
दोनों का जो जोड़ है, जो योग है, ये प्राप्त हुआ तो सिलेंडर वॉल्यूम और सॉफ्ट वॉल्यूम, सॉरी क्लियरेंस वॉल्यूम और सॉफ्ट वॉल्यूम दोनों का टोटल योग क्या कहलाता है, अपना क्या कहलाता है, सिलेंडर वॉल्यूम। और उसी का ही मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पर, उसी का जिक्र कर रहा हूं। एक और होता है कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन, देखिए कंप्रेशन रेशो की बात करते हैं, संपीड़ित अनुपात, संपीड़ित, कंप्रेशन रेशो का मतलब होता है संपीड़ित अनुपात, और संपीड़ित अनुपात की बात करता हूं तो सेम कंडीशन आ जाएगी, सी आर बराबर वी सी प्लस वी एस बटे यहां पर वी सी। अच्छा आपको ये चीज क्लियर हुई, मतलब इन दोनों का योग और इसका अनुपात क्या कहलाता है, इन दोनों का एक बीसी और बीएस का अनुपात, और बीसी का वापस क्या का अनुपात हो जाएगा, तो क्या कहलाता है, अपना कंप्रेशन रेशो कहलाता था। इसको बोलते हैं संपीड़ित, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, संपीड़ित घात। उम्मीद करता हूँ ये आपको सब दिख रहा होगा, और ऐसे जैसे जैसे चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अगर इनको आप उतारोगे, स्क्रीन शॉट ले लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो ले लिया कोई गलत नहीं, स्क्रीन शॉट फिर मैं आगे लिखाऊंगा, लिया तो देख लिया आगे। इसी क्रम में मैं एक एक चीज को आपको लिखाते हुए जाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आएंगी, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी और आती भी रहेगी, चिंता वाली कोई बात नहीं। आपने नाम सुना हो तो एचपी, एचपी का मतलब क्या था बोलो, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, आपको याद है अश्व शक्ति कहां से है, आपको मैंने बताया था कि रोडाल्फ डीजल ने, रोडाल्फ डीजल ने किसकी खोज की, डीजल इंजन की, ध्यान आपको, रोडाल्फ डीजल ने किसकी खोज की, डीजल इंजन की, निकोलस ओटर ने किसकी की, पेट्रोल वाले की, निकोलस ओटर, निकोलस ओटर ने की, और भी सहयोग की इसमें, वैसे परेशान मत होना, पर इसका भी सहयोग निकोलस ओटर का, तभी तो यहाँ पर ऑटो साइकिल पे सिद्धांत। अच्छा ये चीजें तो कर बात की है, अभी मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, पूछे कि रेलवे बाफ इंजन की खोज किसने की, रेलवे इंजन की खोज किसने की, या फादर ऑफ रेलवे, रेलवे का जनक किससे करते हैं, तो बताओ कौन सा आएगा, जेम्सवाट है, ये बता रहे हो ना, जेम्सवाट बाफ इंजन की खोज की जेम्सवाट ने, अरे जेम्सवाट ने जो है बाफ इंजन की, लेकिन उसका प्रयोग केवल फैक्ट्रियों में किया गया, कहां किया गया, फैक्ट्री में, और फैक्ट्रियों में किया गया तो फैक्ट्रियों की कंडीशन आई है, लेकिन यहाँ जनक की बात करते हैं, उसी जेम्सवाट के द्वारा बने बाप इंजन का जो यूज किया है वो किसने किया है, तो किसने किया, देखिएगा यहाँ जो कंडीशन है जो, क्या से अपने जॉर्ज स्टीवेंस, किसने, जॉर्ज स्टीवेंस, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको बताता रहूंगा, अब आपको ध्यान रखना है कि रेलवे का जनक कौन है, जॉर्ज स्टीवेंस, रेलवे बाप इंजन खोज किसी ने, जॉर्ज स्टीवेंस ने, बाप इंजन खोज ने किसी ने, जेम्सवाट ने, रोडाल्फ डीजल ने डीजल इंजन की खोज की, और निकोलस ओटो ने पेट्रोल इंजन की खोज की, निकोलस ओटो में और भी सहयोगी। अच्छा बात सुनिए, यहां पर जो कंडीशन है, उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आएगी। आगे हॉर्स पावर क्या है, कि जब डीजल इंजन की खोज की रोडाल्फ डीजल ने, उस टाइम जो है उसने जब अपने इंजन को दौड़ाया तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आया था, 30 किलोमीटर प्रति हॉर्स आया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय बदला, और उसने देखा कि इसका जो है शक्ति का मैं मापदंड कैसे दूं, शक्ति का अनुकरण कैसे करूं, तो उसने उस टाइम पर घोड़े चलते थे बसंती वाले, याद है वाले पिक्चर में देखी बसंती, याद है, तो वही बसंती वाले क्या चलते थे, घोड़े चलते थे, उसी घोड़े को उन्होंने क्या किया, दौड़ाया, और दौड़ाने के बाद में देखेगा दौड़ाया, और दौड़ाने के बाद में कंडीशन जो कंडीशन आया आपके सामने, दौड़ाने के बाद उस घोड़े की जो स्पीड आई होती 33 किलोमीटर प्रति, और तो घोड़े की चाल, और यहाँ पर किसकी, घोड़े की चाल और किसकी, घोड़े की चाल और किसकी चाल, दोनों की कंडीशन सेम चाल रही है, और दोनों की सेम चाल होने के कारण यहाँ पर उसने जो है एक एचपी का मान दे दिया कि घोड़े की शक्ति रीजन की शक्ति समान है, उसी से ही अपन यहाँ पर एचपी बोलते हैं, एचपी बोलते हैं हॉर्स पावर। और आप जानते हो एक एचपी बराबर जो होता है वो होता है 700 चीनी,
और भी किस पद्धति में आपको नेक्स्ट अच्छी तरह से पता है ब्रिटिश पद्धति इसके बाद में आता 735.5 वाट जो कि आपके मीट्रिक पद्धति में देखिए मीट्रिक सिस्टम हो गया यहां पर ये कंडीशन तो एक एचपी बराबर वैल्यू याद रखोगे आप ये एग्जाम अक्सर पूछा जाता है आरआरपी के हिसाब से मोस्ट भी है और आपके तो आ भी सकता है लेकिन आजकल जो है ना तो हमारे जगह कुछ ज्यादा डिटेल्स आ जाती है तो ऐसे किलोवाट का भी कुछ आने लगा है कि एक के डब्ल्यू एच क्या होता है एक के डब्ल्यू एच बराबर कितना एच पी होता है तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए तो एक के डब्ल्यू बराबर हो 1.34 एच पी देखो हॉर्स पावर आएगा या 1.346 एच पी ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल तो ये बड़ा तकलीफ दे देता है ये वही सेम कंडीशन है यहाँ पर कोई क्या आएगा ब्रिटिश और यहाँ पर कोई क्या आएगा मीट्रिक आएगा सेम कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं कैसे आएगा आपको तकलीफ मत देना किलो का मतलब क्या होता बोलो बोलो रे बोलो किलो का मतलब क्या होता हजार इस हजार में कितने का भाग दोगे 706 का तो आपको इनको काटने पर ये प्राप्त होगा इस हजार में वापस कितने का भाग दोगे 735.5 का तो इसको काट दो बराबर ये प्राप्त हो जाएगा चेक कर लेना वेरीफाई कर लेना कोई दिक्कत वाली बात उम्मीद करता हूँ ये आपके एचपी समझ में आया होगा आपको एचपी के बाद में देखिएगा ये जो कंडीशंस आप देख लिया करो मैं एक एक चीज का अवलोकन करके आपको बता रहा हूँ उसी के आधार पर आपको यहाँ पर एक एक चीज देखना समझ में आ रही होगी और उसी में अपन बात करेंगे यहाँ तक ये था एचपी अब अपन बात करते हैं आईएचपी बीएचपी और एफएचपी यहाँ पर इंजन में जो है ना एचएचपी का मतलब क्या था घर्षण से प्राप्त शक्ति को एचएचपी का शब्द एफएचपी मतलब फ्रिक्शन हॉर्स अब जितने भी यहाँ पर घर्षण हो सकती है तो ये घर्षण के कारण प्राप्त होती है क्योंकि पार्ट्स आपस में घिसेंगे तो घर्षण हो गया होगा अर्थात तो यूं कह सकते हैं कि जो भी आपको जो एफएचपी प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होगी मतलब इसमें से जो है एफएचपी कैसे प्राप्त होगी तो अपने एफएचपी प्राप्त करने के लिए लॉस को घटा देंगे मतलब हानियां जो होगी वो क्या होगी घर्षण हो जाएगी तो ये कंडीशंस आपके साथ में एफएचपी आएगी मैं ज्यादा आपके फोकस करूंगा बीएचपी आईएचपी पे जो आपके काम भी आती है और उसी का ही जिक्र आप करना चाहते हैं आईएचपी देखिए दोस्तों आईएचपी का मतलब होता है इंडिकेटेड हॉर्स इंडिकेटेड यू कह सकते हैं सूचक अश्व शक्ति क्या हो सकते हैं सूचक अश्व शक्ति देखिएगा यू कह सकते हैं कि सूचक अश्व शक्ति क्या होती है दोस्तों इसको देख लेना यही कंडीशन आपके है इंजन के द्वारा प्राप्त कुल शक्ति को आईएचपी कहते हैं प्राप्त कुल शक्ति क्या हो सकते हैं प्राप्त कुल शक्ति टोटल पावर को क्या बोलते हैं यहाँ पर आईएचपी कहा जाता है इंजन के द्वारा प्राप्त कुल शक्ति को क्या कहते हैं आईएचपी कहते हैं और आईएचपी की कंडीशन होती है यहाँ पर देखिएगा इसको बोल सकते हैं आईएचपी बराबर प्लान प्लान के 3300 ये कंडीशन आपके सामने है और इंटू आपके सामने तो तक के और ये जो पहली वाली कंडीशन है ये कौन सी पद्धति एफपीएस बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं एफपीएस पद्धति यहाँ पर जो बोल सकते हैं यहाँ पर आईएचपी बराबर एक और कंडीशन आ जाता है आईएचपी का मतलब वही प्लान आ जाएगा और प्लान के बाद क्या आ जाता है आपके पास में 43 इनटू क्या आ जाता है यहाँ पर आपका आपके पास में जो कंडीशन आती है अगली एमकेएस पद्धति का नाम सुना आपने ये आपकी कंडीशन MKS पद्धति किसकी बात कर रहा हूँ MKS पद्धति जिसको आप जो है क्या बोल सकते हो मीट्रिक पद्धति भी कह सकते हो जिसको आप मीट्रिक पद्धति भी कह सकते हो ये कंडीशंस है ना देखिए आप P का मतलब क्या होता समझिएगा बात को P का मतलब क्या होता कंप्रेशन प्रेशर P का मतलब क्या होता कंप्रेशन प्रेशर मतलब यूं कह सकते हैं पी का मतलब कंप्रेशन प्रेशर ये कंडीशंस आपके साथ होती है यहाँ पर देखिएगा एल का मतलब लंबाई आपको पता ही चला नाम जैसा तो स्ट्रोक की लंबाई लेंथ ऑफ स्ट्रोक स्ट्रोक की लंबाई
स्ट्रोक की लंबाई, लंबाई को आप जानते हो मीटर आएगा, है ना, देखिए ना यहाँ जो कंडीशन है, है ना, देखिए ना ये एक एक चीज को आपको क्लियर करना है कि कैसे स्टेप आपके साथ होती है, यहाँ जो कंडीशन है इसका मतलब यहाँ पर ए, तो इसका ए से क्या तात्पर्य है ये आपको देखना है कि ए क्या है, ए से नाम जैसा नाम जैसा कम होना एरिया अलग नहीं होना, तो किसका सिलेंडर का एरिया, तो यहाँ पर ए से मतलब होता है एरिया आपके कमेंट देख पा रहा हूँ, चिंता मत करो, बराबर देख रहा हूँ और उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ, अब तक देखिएगा यहाँ पर टाइम तो मेरा हो चुका है बिल्कुल, है ना, अगर आप टाइम की चिंता मत कीजिएगा, मैं बराबर आपको थोड़ा और ज़्यादा कम भी पढ़ा सकता हूँ, तो चिंता नहीं की लास्ट क्लास आपकी, तो लास्ट क्लास में कम ज़्यादा का कोई इशू नहीं आएगा, तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ें, आप अगर ध्यान रखोगे तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है कि देख पा रहा हूँ आपके कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा मैं सबके जवाब भी देना शुरू करूँगा, थोड़ा सा क्या है कि दूसरे मोबाइल में आपके देखा एक एक चीज़ को मैं बताता हूँ, अब यहाँ पर देखें एन मतलब चक्कर होता, और लिखाता थोड़ा स्पीड, स्पीड का जिक्र करता हूँ, तो यहाँ जो कंडीशन आपके कंडीशन आ जाता है स्पीड में, और लास्ट में जो बचता है आपके एन के बाद में जो बचता है तो क्या बचता है, और यहाँ पर नंबर ऑफ सिलेंडर क्या लिखें, क्या मतलब नंबर ऑफ सिलेंडर, इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं ना के समान, लेकिन आप ही जाए तो आप जो जो चीज जहाँ देगा कि पी देगा एल देगा एन देगा, पर आप क्या एच पूछेगा तो बता देना, और आपसे दोनों कंडीशन अगर यहाँ एक क्वेश्चन तो मिट्टी और ब्रिटिश पद्धति का वर्ड देते, तो आपको ये ध्यान रखना इन पद्धतियों के आधार पर ही फॉर्मेल लगाना, ज्यादातर आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें सारी चीजें देगा चार चीजें, और आपसे एच पी पूछ लेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, उम्मीद करता हूँ ये आप उतार सकते हो, है ना, इसको स्क्रीन शॉट ले लो, कोई दिक्कत आपके ले लीजिएगा, इसके बाद हम बात करते हैं अपन ब्रेक ऑफ पावर, क्या लिखेंगे, हाँ लास्ट करा देते हैं इसको बीएसपी तक, आईएसपी बीएसपी तक ही लिखवाते हैं, ये आपके पास आएगा ब्रेक ऑफ पावर, क्या लिखेंगे अंतिम में, कोई दिक्कत नहीं, लिखेगा बीएचपी, बीएचपी का मतलब क्या होता, ब्रेक ऑफ पावर, देखिएगा ब्रेक का मतलब होता है यहाँ पर ब्रेक अशुशक्ति, और ब्रेक अशुशक्ति की क्या कंडीशन है इसको आपको क्लियर करना है, तो देखिएगा ब्रेक अशुशक्ति होती क्या है इसको देखा, अब यहाँ पर अपन ब्रेक लगा रहे हैं, सुनो एक तुलना को, इंजन के द्वारा मतलब फ्लाई व्हील हेतु लाभकारी कार्य के लिए जो शक्ति प्राप्त होती है वो बीएचपी कहलाती है, मतलब फ्लाई व्हील मतलब पहिया, देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं फ्लाई व्हील हेतु लाभकारी के कार्य के लिए, फ्लाई व्हील है तो लाभकारी कार्य के लिए पहिया के लिए मतलब एडवांटेज, लाभकारी कार्य के लिए जो शक्ति प्राप्त होती है जो पावर प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है बीएचपी कहलाती है, बीएचपी कहलाती है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वही सेम कंडीशन आपके साथ आ जाती है जिसे अपन बीएचपी बोलते हैं, अच्छा एक बात बताना बीएचपी बराबर आप जानते हो चित्र 2πnt और आपके साथ में 3300 आ जाएगा, भाई आपके साथ में क्या आ जाएगा, सेम कंडीशंस देख सकते हो, देखिए ना यहाँ वही सेम कंडीशन वही फॉर्मूला लग जाएगा जिसमें क्या था बी एच पी बराबर एक और चीज आ जाएगी आपके पास में, बताओ कौन सा आएगा 2π बोलो एन टी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 4500 आ जाएगा और 45 के बाद एन टू कितना आ जाएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर वही कैंसिल देगा ब्रिटिश पद्धति, वही आपके पास मेट्रिक पद्धति आ जाएगा, ये अब टी यहाँ पर आ जाता है चेंज होता है तो उत्पन्न टॉर्क क्या बोलोगे, जनरेट जो टॉर्क है बला गुण है वो आपके क्या कहलाता टी कहलाता जो आपके लिए आएंगे, और एन आपके क्रैंकशाफ्ट चक्कर आ जाएगा, एन क्रैंकशाफ्ट के चक्कर आ जाएगा, अब आपके जो है यहाँ कंडीशन क्रैंकशाफ्ट चक्कर आ जाता है ना चक्कर कंडीशन से, और इस बात को आप अच्छे जान, यहाँ पर पाई का माना आपको याद होगा 22/7 कितना होता 22/7, ये कंडीशंस आपको याद रख लेना, इस आधार पर आप निकाल सकते हो सारे के सारे जो भी कंडीशंस है आप देख सकते हो, उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया इसमें देगा मान वो ना एन और टी का मान दे देगा, आपसे पूछ लेगा बीएसपी का वैल्यू बात याद कराएगा तो कर देना अगर जरूरत पड़े तो, बाकी इस टाइप के नजर सवाल आपके आते तो नहीं है, फिर भी अगर करे तो वैल्यू रख देना क्योंकि फॉर्मूले में रखना आपको हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वो भी करा देता लेकिन समय अभी आपका साथ नहीं दे रहा, नहीं तो एक सवाल इसमें से करा देता तो आपको और तसल्ली हो जाती, बट इसका जो है आप कर सकते हो, उम्मीद करता
चाहता हूँ जो आज मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे उतना ही है। मैं आपको मिलता हूँ कितने बजे से, सुबह यहाँ पर शाम को जो है इवनिंग को 6 बजे से लेकर के 8 बजे का मेरा टाइम है, जिसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग सबके लिए होती है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी सबके लिए होती है, फिटर आपके डीजल वालों के भी कुछ काम आ जाती है, ध्यान रखना। लेकिन आप पहले अपने सिलेबस को देखते ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे पर ब्लेम करोगे सर ये चीज़ है। तो डीजल सभी के आपके लिए, डीजल वालों के लिए, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, अर्थात इन सबके यूज आती है, हीट इंजन वालों को, हीट इंजन कोई पढ़ रहा हो तो उसको ध्यान रखिएगा, ये सारा वही है सन सिलेबस, 1% भी चेंज नहीं, हीट इंजन वाला भी निश्चित रहेगा, उनका पूरा कोर्स करा दिया जाएगा। उम्मीद है आप मेरे को जितना ज़्यादा ये देख रहे होंगे वो सब शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चाह भी रहे कि सर आप पूरी प्लीज क्लास करा देना, पूरा कवर करा देना, जिससे कि हमारे 35% कवर हो जाए। मैं यकीन से बोल रहा हूँ 75% कवर करा दूंगा, अगर आप जैसे मैं कहा वैसे फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे तो, क्योंकि पूरा कोर्स कराना मेरा काम है। और आपको एक काम हो कीजिए सुविधाजनक के लिए, जिससे कि आप पढ़ तो मेरे से रही हो, नोट्स आप मंगवा सकते हो इस नंबर पर याद करके, नोट्स आप मंगवा सकते हो इस नंबर पर कॉल करके, और वो भी फोटो कॉपी के चार्ज में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भेजे जा सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर। अतः प्लीज ध्यान दीजिएगा, आप जो है इस नोट्स को घर पर बैठ करके पढ़ोगे, यहाँ मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, आगे रखे रखिएगा, और यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। आज के लिए इतना ही, जय जय भारत, वंदे मातरम, फिर मिलेंगे इसी टाइम।